कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। लवली ने हाल ही में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लवली के साथ 4 बार के विधायक और 2 बार दिल्ली में कैबिनेट मंत्री रहे राजकुमार चौहान और 2 बार विधायक और कांग्रेस के पूर्व सचिव नसीब सिंह, पूर्व विधायक नीरज बसोया, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अमित मलिक भी बीजेपी में शामिल हुए। लवली ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप भी लगाया था। लवली ने कहा था, पार्टी हाईकमान कई चीजों पर बिना उनसे पूछे फैसले ले रही है। अरविंद सिंह लवली 4 बार के विधायक और 2 बार दिल्ली में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। दिल्ली ने पिछले साल उन्हें दिल्ली कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन चुनाव के बीच उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया है। अरविंद सिंह लवली 2017 में दिल्ली में नगर निगम चुनाव के समय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि तब से वो बीजेपी में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए थे और फिर से 10-12 महीने में ही उन्होंने फिर से घर वापसी कर ली है। 2019 के लोकसभा चुनावों में वो पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरे थे, हालांकि तब उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब अरविंद सिंह लवली एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। लवली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में कहा कि जिस आम आदमी पार्टी के कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया है, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया था। लवली ने आगे कहा कि अब वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस के पूर्व नेता ने आगे कहा कि AICC के पूर्व प्रमुख के निर्देश पर मैं संदीप दीक्षित और सुभाष चोपड़ा के साथ उस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर गए थे जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने कहा कि AICC के दिल्ली प्रभारी महासचिव दिल्ली यूनिट में उनकी ओर से जा रही नियुक्तियों को मंजूरी नहीं दे रहे थे।